ओके तो गाइस एक बारी फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। और अभी ना यार माइकल को ना फ्रैंकलिन की कॉल आई थी और वो कह रहा है मैंने तुम्हारे लिए लॉस सैंटोस के गैराज में ना एक कार रिपेयर यानी कि मॉडिफाई करा के रख दी है। वो गाड़ी है फरारी कॉमेट, तो फटाफट से जाकर मैं उस गाड़ी को भी यार ले आता हूँ। फ्री की गाड़ी है, फ्रैंकलिन ने इसके लिए यहाँ पर मॉडिफाई करा के रखवाई है। और अभी तो यार मैं कुछ खा पी लेता हूँ घर में, ये रहे इसके सर्वेंट और वहाँ पर इसकी बेटी है यार, वो डांस वांस कर रही होगी। तो अभी तो मैं यार करेले का जूस इन्होंने रखा है तो वो पी लेता हूँ यार, कुछ खाने को तो मिल नहीं रहा। और ये देखो यार इसकी बेटी, इसका नाम शायद से ट्रेसी है। तो ये रहा करेले का जूस, तो यार माइकल को सबसे ज़्यादा पसंद है करेले का जूस क्योंकि वो इससे फिट रहता है। तो फटाफट से नाक बंद करके ना 2 मिनट के अंदर करेले का जूस ख़त्म कर लेते हैं। तो ये घुमाया गिलास और ये पी लिया भाई माइकल ने 1 मिनट में करेले का जूस पी लिया। फटाफट से थोड़ी सी ताकत आ गई है माइकल को, तो फटाफट से यार चलते हैं अपनी गाड़ी लेने, तो थोड़ी सी रनिंग कर लेते हैं। ये रही टेरेसी, तो ये तो अपना गाना वाना सुन रही है, डांस कर रही है। ओके फटाफट से हम निकलते हैं। हम यार हमने अपनी अपनी जो कार है ना, देखते हैं कैसे कौन से कलर की होने वाली है अपनी गाड़ी। फ्रैंकलिन ने भाई इतनी अच्छे प्यारे से यार बना के यानी कि इसको मॉडिफाई करवा के रख दिया होगा। तो भाई अभी तो मेरे गैराज में ना एक भी गाड़ी नहीं है। तो पिछले एपिसोड में यार देखा होगा कि कैसे मार्टिन मद्रासो को हमसे लड़ाई हो गई थी, उसके साथ हमने यार उसका घर तोड़ दिया था, तो उसके भी पैसे चुकाने हैं। तो उसके लिए मेरे को लेस्टर के साथ काफ़ी काम करना पड़ेगा क्योंकि वही हमको इतने पैसे दे सकता है। ये रहा इसका वॉशरूम, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं यहाँ से। ओके तो यार यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सबके रूम बता देता हूँ। ये रहा जिमी का रूम, तो भाई इसके बेटे जिमी का रूम देख लो। यहाँ पर ना एकदम चिल मार के सो रहा है बंदा। और ये गेमर वेमर पोस्टर वोस्टर लगा के रखता है यार, गेमिंग में इसको ज़्यादा ध्यान है भाई, गेम वेम काफ़ी सही खेलता है ये। तो इसने अपने अंदर भी कॉमिक बुक ये सब, इसके पीसी वीसी यही सब पढ़ा होगा और कुछ तो नहीं मिलेगा। तो ये देख लो भाई कॉमिक्स कितनी है। और ये टीवी में देखो भाई कितना सही सही यार मूवी भी देखता है, ये गेम्स ये सब कुछ आ जाता है इसके टीवी में। तो काफ़ी सही टीवी भी स्पीकर वगैरह सब कुछ लगा के रखा इसने। तो ये देखो अभी यहाँ पे कोई ऑडिशन यानी कि चल रहा होगा। ओके ये रहा इसका पीसी, तो यार पीसी भी टेस्ट कर लेते हैं चलाकर, काफ़ी सही पीसी है इसका। तो ये देखो यार ये फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन कह रहा हूँ, ये इसका बेटा जिमी चलाता है। तो इसे करते हैं यार बंद फटाफट से। तो ओके ये रहा कुछ यार व्हीकल व्हीकल थे ट्रैवल के बारे में। तो ओके तो मैं फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ और ये अभी तक उठा नहीं, अबे यार कितनी देर तक सोएगा। और लैपटॉप देखो कहाँ ज़मीन में रख। सो ये यहाँ पर है इसकी बेटी का रूम, ये इस साइड में इसका बेटी का रूम है। तो यार इसका रूम तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ है। और मैं आपको दिखाता हूँ माइकल का अपना रूम, तो फटाफट से माइकल के रूम में चलते हैं। उसका रूम भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ है, बस यार इस घर में जिमी का रूम काफ़ी गंदा है क्योंकि वो अपने घर में सफाई वफाई करता नहीं है। तो ये तो मैं दोबारा से वॉशरूम में आ गया। ओके ये रहा भाई अब अपना रूम, मैं तो भूल ही गया था। ये रहा तो यहाँ पे ड्रेसअप चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, मैं ब्लैक कोट डाल लेता हूँ, उसमें माइकल ना डॉन लगेगा। और ये इसका अपना टीवी है छोटा सा लेडी। और नीचे वाले में ना वहाँ पर लॉबी में ना काफ़ी बड़ा प्रोजेक्टर लगाया है जहाँ पर भाई सभी मिलकर देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा शो देख लेते हैं मिलकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं अपने लिए ना अपनी आउटफिट में कोट डाल लेता हूँ। तो यार अपनी आउटफिट एकदम बेस्ट लग रही है ब्लैक कोट के साथ। और अपने शू है ना वो मैं शूज़ यार मैचिंग नहीं करूँगा, वाइट शूज़ डाल लेते हैं। तो ग्लासेस भी डाल लिए मैंने, ये रहे वाइट शूज़ नीचे वाले। ओके ये एकदम बेस्ट लग रहे हैं। ओके तो ये पंप है, तो ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, वाइट शूज़ पंप में है तो इसको मैं ले लेता हूँ अभी। और ग्लासेस भी डाल लेता हूँ अपनी ये वाली। तो भाई अब अपनी लुक ना एकदम नेक्स्ट लेवल हो गई है। और अभी मुझे जाना है यार लॉस सैंटोस के कस्टम शॉप में, गैराज में, वहाँ पर जाके ना उसने अपनी गाड़ी को एकदम कस्टम वस्टम करवा के रख दिया है। तो अभी तो मैं अपनी कैब लेकर जा रहा हूँ। और मेरे पास अभी एक टेम्प्रेरी एक गाड़ी मैंने ले ली थी, वो नीचे कॉमेट है वो भी, बट वो ना इतनी मॉडिफाई नहीं है। उसको ना मैंने ब्लू कलर में लिया है, तो वो देख लो आप। ये रही मेरी कॉमेट फरारी। ओ भाई मौसम गंदा हो चुका है, बारिश आ चुकी है। तो ये रही मेरी कॉमेट फरारी ब्लू वाली। तो इसको तो मैं अभी लेकर जाने नहीं वाला हूँ, इसको यहीं पे रखता हूँ। अभी हमने कैब बुक करवा लेता हूँ और अपनी कैब को बुलाते हैं। तो मैंने अभी कैब को यार फ़ोन कर दिया है और कैब थोड़ी देर में आती होगी। फटाफट से मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो फटाफट से घर के बाहर चलते हैं, लोकेशन सेट कर लेते हैं। मेरे को भी जाना है लॉस सैंटोस की कस्टम गैराज में, तो फटाफट से लोकेशन को सेट कर लेता हूँ। सो ओके तो यार मेरी कैब भी आ ही रही है, तो 2 मिनट में पहुँचेगी। ओके 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 तो ये रही भैया, रुक जाओ यार यहाँ पर। ओके कैब में फटाफट से भैया बैठ जाते हैं और फिर ना लॉस सैंटोस के कस्टम गैराज में चलते हैं। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, पता नहीं कब तक बंद होएगी।
तो ये रही टैक्सी का इंटीरियर था अंदर से। तो उसने हमको पूछा कि कहाँ पर जाना है, तो हमने इसको लोकेशन भेज दी है, दे दी है, तो अभी थोड़ी देर में पहुँचा देगा। तो यार ये $100 लेते हैं एक टैक्सी के, तो मेरे को $100 पे करने पड़ेंगे। तो ओके, तो फटाफट फास्ट टैक्सी चला रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और फटाफट से हम पहुँच जाते हैं, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। तो इतनी देर तो मैं फ्रैंकलिन से थोड़ी बात कर लेता हूँ रास्ते में, और हम तब तक पहुँच ही जाएंगे। तो ओके, तो यार इसने हमको फटाफट से यहाँ पर पहुँचा दिया, और हम पहुँच गए हैं लॉस एंटोस के कस्टम रिपेयरिंग शॉप में, और अपनी गाड़ी देख लेते हैं कहाँ पर है। ओके, यहाँ पर तो नहीं है भाई अपनी गाड़ी। ओके, ये रही भाई साहब, ये ही है भाई, उसने कहा था यहाँ पर पार्किंग में येलो कार होगी। तो यार ये देख लो भैया, क्या गाड़ी दी है इस बंदे ने हमें, भैया फरारी है ये, कॉमेट फरारी, और इसको फुली मॉडिफाई करवा दिया अंदर का। भाई इसका देख लो यार, अंदर का इंटीरियर भी देख लो, काफ़ी ज़्यादा सही है, और ऊपर का रूफ भी काफ़ी सही है, बोनेट भी काफ़ी स्ट्रांग लगवाया है इसने। तो फटाफट से ना इसने एसयूवी के, मेरे को लग रहा है एसयूवी के इसने टायर्स लगवाए हैं। तो फटाफट से अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, और फिर देखते हैं कि इसका इंजन पावर। ओके ओके, फटाफट से लाइट ऑन करते हैं। ओ भाई, इसने नियॉन लाइट्स लगवाई हैं नीचे। ओ भाई साहब, काफ़ी सही लुक आ रही है अपनी गाड़ी की। पहले ना यार गाने वाने ऑफ कर लेते हैं, अब एक बार स्पीड टेस्ट कर लेते हैं इसके रिवर्स के ढल के। भाई साहब काफ़ी ज़्यादा स्मोक छोड़ रही है कार, बट जो भी है बेस्ट, नाइट्रो भी लगवाया है, बूस्ट एक्स्ट्रा लेवल का है, और अब यार स्पीड में हम कहीं भी जा सकते हैं। बस यार एक टेंशन की बात है, अगर ये गाड़ी ना कहीं पर ठुक गई ना, तो यार अपने पे और नुकसान आ जाएगा, क्योंकि यार इसका गाड़ी का ना सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, इतनी महंगी कार है ना ये। तो मैंने इसको आराम से धीरे धीरे से चलाऊंगा, बट इतनी तेज़ नहीं चलाऊंगा, क्योंकि ये ठुक गई ना अपने पे और नुकसान पड़ सकता है, इसलिए आराम से। ओके, बच गया भाई, काफ़ी गंदी टक्कर बच जाती, नहीं तो मेरा वो भाई ऊपर से एरोप्लेन गया, काफ़ी बड़ी शैडो थी इसकी। तो यार मैं कह रहा था अगर ये ठुक गई ना काफ़ी नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए मेरे को धीरे चलाना पड़ेगा। ओके ओके, ओ नो शिट यार, काफ़ी गंदी वाली ठुक गई। तो कोई बात नहीं यार, मैं अपने गैराज में इसको ना थोड़ा सा रिपेयर कर लूँगा, अपने गैराज में भी थोड़ा सा सामान है, तो यार मैंने वहाँ पर भी अपने लिए सामान रख लेता हूँ, क्योंकि यार थोड़ा सा ठीक वीक करना पड़े गैराज में ही अपने। तो मैंने ना आगे से थोड़ा सा इसका बोनेट तोड़ दिया गलती से, टक्कर काफ़ी गंदी वाली हो गई थी, बट थोड़ी सी ठीक ही बची है, टक्कर जोर की भी नहीं थी। ओके, तो मैं इसको ना अपनी गाड़ी को ना, इस वाली गाड़ी को ना भी मैं अपने साइड पे कर लेता हूँ, ये मेरी दूसरी वाली है, इसका नाम मुझे याद नहीं है, ब्लैक वाली। तो ये टेम्परेरी है ये भी अपनी, जो ये है ना मैंने अभी जो मेरे को फ्रैंकलिन ने गिफ्ट किया ना ये वाली गाड़ी, इसको ना मैं अपना प्राइवेट गाड़ी की तरह रखूँगा भाई, इसको मैं हमेशा अपने साथ रखूँगा। तो यार अपनी मैं ब्लू वाली कॉमेट फरारी को ना यहाँ से निकाल लेता हूँ बाहर, और यार अपनी इस वाली गाड़ी को ना एकदम सही सेलिब्रिटी वाली गाड़ी रखेंगे। तो इस वाली गाड़ी को पहले मैं निकाल लेता हूँ बाहर, क्योंकि यार इसके साथ ना ये थोड़ा ठीक नहीं फिट हो रही, तो इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल के अपने नीचे वाले एरिया में लगा देता हूँ। ओके, यहाँ पर तो ये तो अपनी गाड़ी लेके निकल गया है, मैं अपनी गाड़ी में पार्क कर लेता हूँ और लेस्टर को कॉल करते हैं। बट अभी ना मैं अपनी गाड़ी से एक राइड लेकर आया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया भाई, ड्रिफ्ट देख लो कितनी सही बजी है इस गाड़ी से। तो मैं ना अभी लेस्टर को कॉल कर रहा था, और लेस्टर कह रहा है कि मेरे घर आ जाओ, तुमसे एक बात करनी है, और माइकल को भी काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि यार मार्टिन मद्रासो का नुकसान हुआ है ना, जो उसका घर हमने तोड़ा है, तो उसके लिए हमारी मदद लेस्टर ही कर सकता है। तो लेस्टर को कॉल में लाता हूँ फिर से, और बात कर लेता हूँ कि भाई उसके घर में कब आना है। तो फटाफट से उसका कॉल, पता नहीं वो उठाएगा कि नहीं, तो देख लेते हैं। ओके, ये हमने लेस्टर को कॉल मिला दिया, गाड़ी में चलते चलते कॉल करते हैं, और हम उसके ना आहिस्ता आहिस्ता घर तक पहुँच जाते हैं। तो ओके, तो उसकी कॉल भी डायलिंग हो रही है, ओके कनेक्टेड हो गई है। ओके, तो कॉल तो उसकी होती रहेगी, स्पीकर में रख लेता हूँ, और अभी ना गाड़ी भी थोड़ी थोड़ी ड्राइव करते हैं, फटाफट से निकलते हैं लेस्टर के घर। तो ओके, तो उससे बात भी हो गई है, तो कह रहा मैं घर में ही हूँ, तुम आ जाओ मेरे घर में अभी। फटाफट से चलते हैं लेस्टर के घर, फिर देखते हैं कि भाई आज वो कितने पैसे देगा हमें, और उसने हमको काम देना है, फिर जाके वो पैसे देगा, पता नहीं क्या ही काम होगा उसका, फटाफट से घर जाकर पता लगेगा। तो मैं ना इस वाली गाड़ी को ना आराम से चलाऊंगा, टक्कर वक्कर बज गई तो और ही गंदा सीन हो जाएगा, बट यार ठीक है, टक्कर बज भी गई ना, ये अपनी टेम्परेरी गाड़ी है, टूट भी गई तो कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि अपनी जो प्राइवेट कार है ना फरारी कॉमेट जो मैंने येलो कलर वाली है, वो अपनी प्राइवेट कार रहेगी, तो बाकी सब अभी टेम्परेरी है। और मैं सोच रहा हूँ कि माइकल के लिए ना एक बाइक या BMX साइकिल भी खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इसके पास कोई भी टू व्हीलर व्हीकल नहीं है, सारे के सारे फोर व्हीलर हैं। तो फ्रैंकलिन के पास तो काफ़ी जन है,
इसलिए तो इसके लिए भी मेरे को एक खरीद लेना चाहिए, टू व्हीलर भी खरीद लेना चाहिए तो चलेगा। और यार यहाँ पर ना जो माइकल का एरिया ना घर का, उसके वहाँ पर ना रश काफ़ी ज़्यादा रहता है, उसका जो रोड है ना काफ़ी ज़्यादा पतला है। और यहाँ पर जो फ्रैंकलिन का एरिया है वो थोड़ा ठीक है, वहाँ पर ट्रैफिक कम रहता है, और माइकल के एरिया में ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है। और यार अभी काफ़ी ज़्यादा रात भी हो चुकी है, और अभी ना हम आ चुके हैं लेस्टर के घर में, और काफ़ी अंधेरा हो चुका है। चल बेटा पीछे हो जा। भाई क्या बंदा है, कहाँ पर रोकी है इसने गाड़ी अपनी? ओके तो भाई ये तो अपना रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि रेड लाइट थी। तो मैं तो अभी पहुँच गया हूँ अपने लेस्टर के घर में। दोस्त यार काफ़ी पुराना है माइकल का, तो फटाफट से ना इसकी गाड़ी, मैं अपनी गाड़ी ना इसके घर के बाहर कहीं पार्क कर लेता हूँ। तो ओके यही होगा इसका घर। काफ़ी ज़्यादा दिनों बाद मिल रहा है माइकल इससे, तो मैं इसका घर भी भूल गया हूँ। ओके भाई क्या ही स्नेक टाइप का रोड है भाई, ऊपर नीचे भाई क्या ही जिगजैग है, ये स्नेक रोड है एकदम। तो ये मेरे ख्याल से यार इसका ही इसकी गाड़ी है। ओके ये लेस्टर की गाड़ी खड़ी थी शायद से। अपनी गाड़ी की हालत देख लो भाई, पुलिस पुलिस पीछे लग गई थी, काफ़ी गंदा सीन हो गया था। तो भाई माइकल को भी काफ़ी चोट आ गई है, गाड़ी का ना सिस्टम एकदम ख़राब हो चुका है, तो वो धुआं भी निकल रहा है। तो कोई बात नहीं यार, अपनी टेम्परेरी गाड़ी है ये, कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है। तो ये रहा लेस्टर का घर, ऊपर है, मैं शायद से गलत साइड में आ गया हूँ। ओके यहाँ से अब यार माइकल को ना एकदम चोर की तरह जाना पड़ रहा है, क्योंकि यार मैं रॉन्ग साइड से आया था ना इसलिए। तो भाई डॉन वन बन के चल रहा है एकदम चिल मार के। तो ये रहा इसका घर। ओके डोर लॉक है भाई, कैमरे वैमरे देख लो, सीसीटीवी कैमरा कितना खतरनाक, कहाँ कहाँ पर लगाए हैं इसने। तो ये सीसीटीवी कैमरे से इसने देख लिया, तो डोर भी इसका ऑटोमेटिक ओपन हो गया। भाई क्या बंदा है ये। तो यार इसके कितने डॉक्यूमेंट्स वॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, सीसीटीवी कैमरा, और ये देखो भाई पीसी वीसी कितने रखे हैं, क्योंकि यार ये काफ़ी बड़ा साइबर हैकर है, और ये माइकल को भी साइबर हैकर बना देगा अपने साथ साथ रख के। तो इसको ना यार पाँव में थोड़े से प्रॉब्लम है, और यहाँ पे व्हीलचेयर में चलता है, तो इसकी प्लानिंग थोड़ी सी हो रही है। और एक कह रहा है कि यार तुम काफ़ी दिनों बाद मिले, हम काफ़ी देर के बाद मिल रहे हैं, और आज का जो प्लान है ना ये कह रहा है कि तुम्हें एक जगह पर जाना है, जहाँ पर एक ऑफिस होगा वहाँ पर जाना पड़ेगा। उस ऑफिस का नाम है यार लाइफ इन्वेडर, वहाँ पर जाके ना कुछ काम करना है, वो फ़ोन कर देगा। बट उससे पहले मेरे को वाइनवुड में सब अर्बन स्टोर में जाना है, वहाँ पर जाके ना ये जो डॉन वन वाले कपड़े डाले हैं ना मैंने, इसको उतारना है, और वहाँ पर अपनी शॉर्ट्स वॉट डाल के जाना है। क्योंकि यार कह रहा है अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो उससे पहले ना तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। क्योंकि भाई वो फ्री का तो हमको देने नहीं वाला, कुछ उसके लिए करना ही पड़ेगा अपने दोस्त के लिए। तो ना उसने हमको बोला है पहले वहाँ पर जाओ, और उसके बाद ना इसलिए कपड़े चेंज करवा रहा है वो हमसे, क्योंकि यार लोगों को शक नहीं हुए, क्योंकि इसको ना वहाँ पर ना साइबर हैकर बन के जाना है, एक यानी कि रिपेयरिंग स्कैनर यानी कि यार वायरस स्कैनर बन करना है वहाँ पर। किसी का कंप्यूटर में वायरस आ गया किसी बंदे के, तो उसके ना कंप्यूटर में ना वायरस हटाना है, तो उसको ना वहाँ पे साइबर हैकर बन के जाना पड़ेगा, ताकि किसी को शक नहीं हो। और वहाँ पे जो काम है ना बाकी का ये बाद में फ़ोन करके बता देगा। मैं तो यार सब अर्बन स्टोर में जाके ना एकदम तैयार हो जाता हूँ, वहाँ पर ना शॉर्ट्स डाल लूँगा, और किसी को ताकि शक नहीं हो कि मैं एक डॉन वॉन हूँ। तो वहाँ पर यार लोगों को ऐसा फील करवाना है कि हम एक साइबर हैकर हैं। तो मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ सब अर्बन एरिया में। तो यहाँ पर अपने पास बैग भी है, उसने दे दिया है अपना बैग, कह रहा अपना जो कोट वोट है ना इसमें डाल लेना, और उसने एक डिवाइस दिया है, प्रोटोटाइप एक डिवाइस है, वो जाकर वहाँ पर फिट करना है। बाकी का काम तो ये बाद में फ़ोन करके बता ही देगा, बट अभी तो मैं यहाँ पर जाता हूँ। ओके तो ये वाला स्टोर है क्या? नहीं भैया ये नहीं है, मैं गलत साइड में आ गया। ओके वो रहा ऊपर जो सब अर्बनों का ये वाला है। फटाफट से भैया जल्दी से अंदर चलते हैं, तैयार व्यार हो जाते हैं। सो यार माइकल ना यहाँ की लेडी यानी कि ऑनर है ना जो, उससे बातचीत कर रहा है, और ये कह रहा है कि मैं यहाँ का काफ़ी बड़ा टेक कंपनी का एक बंदा हूँ। तो ये कह रहा है मैं एक साइबर हैकर भी हूँ, टेक कंपनी का काफ़ी बड़ा बंदा हूँ। तो यार ये कह रही है आप मुफ्त का यहाँ से कुछ भी ले सकते हो फ्री में। तो अपना ना यार अपना गेटअप फटाफट से चेंज कर लेते हैं। तो ये भी यार अपनी बात मान गई है, और इसको भी हमने अपने जाल में फंसा दिया है, इसको भी शक नहीं हुआ हम पे एकदम। तो ना माइकल एकदम यार खतरनाक बंदा है, किसी को अपने बात में फंसा देता है। और ये ना यार मेरे को प्यारी सी एक हुडी यानी जैकेट टच चाहिए, एक प्यारी सी मिल जाए। ओके तो येलो वाली काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है, नीचे से येलो टी शर्ट हो गई और ऊपर से थोड़ी थोड़ी ब्राउन ग्रे लाइट डार्क ग्रीन है। ओके डार्क ग्रीन जैकेट। ओके सो ओके तो अपना गेटअप एकदम मैंने रेडी कर लिया, यानी कि आउटफिट डाल ली है, और फटाफट से निकलते हैं यार। हमने जाना है लाइफ इन्वेडर के ऑफिस में, और वहाँ पर जाके उस बंदे का यार वायरस हैक करना यानी कि ठीक करना है, वायरस स्कैन करना है। और भाई जो वायरस स्कैन है ना वो एकदम प्लान था हमारा, बट जो रियल बात है ना वो अलग ही है, क्योंकि यार हमने एक कॉलेज बॉय को ना बुरी तरह से मारना है,
वो भी एक डिवाइस की मदद से। वो तुमको बाद ही पता लगेगा कि क्या ही सीन होने वाला है और कैसी होने वाला है, बट इतना पता है कि अभी जाके एक बंदा है वहाँ का प्रोग्रामर। ओके, तो लास्टर का कॉल आ गया। ओके ओके ओके, डायल हो रहा है, मैं खुद ही कर रहा हूँ उसे कॉल। ओके, कनेक्ट हो चुका है और मैं फटाफट से ना उसे पूछ लेता हूँ कि आगे का सीन क्या होने वाला है। इतना तो मेरे को पता कि भाई उस साइबर हैकर बन के जाना है और उस बंदे का ना उस वायरस है ना उसे स्कैन करना है। आगे का काम मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो ओके, तो मैंने उससे पूरे तरीके से बात तो कर ली है और वो जो उसने कहा है ना मेरे को, वो कहा है कि उसके बाद ना जब वो तुम्हें कहेगा कि अगर तुमने तो वायरस स्कैन कर लिया तो ना उसके बाद ना हमने एक रूम में जाना है, वहाँ पर ना प्रोटोटाइप जो डिवाइस है ना वो एक मोबाइल में फिट करना है। तो उसके बाद पता लगेगा कि क्या होने वाला है। तो फटाफट से मैं ये काम कर लेता हूँ, गाड़ी को ना मैं यहीं पे पार कर लेता हूँ। तो यही रहा यार लाइफ इन्वेडर का ऑफिस, काफ़ी बड़ा ऑफिस है। ओके, फटाफट से अंदर चलते हैं। तो भाई मैं एकदम चोरों की तरह जा रहा हूँ, मेरे को ना आराम से जाना चाहिए था बट ये मैं गलत तरीके से जा रहा था। ओके, ये रहा, तो मैं तो अंदर जा रहा हूँ, आराम से चलते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। माइकल के लिए कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा यार। तो ओके, तो ये तो मेरे को मिल गया ना रास्ते में भी, भाई ये बाहर आ चुका था। लेस्टर ने इसको कॉल कर दिया था और लेस्टर कह रहा था कि इसे बाहर आ जाओ तुम, मेरा दोस्त माइकल आ चुका है। तो यार ये हमको अंदर लेकर जा रहा है और इसी बंदे का प्रोग्रामर का, इसी का भाई अपना सिस्टम है ना कंप्यूटर का, उसका ख़राब हो चुका है, यानी कि वायरस काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। तो यार ये मेरे को ना एक ऑफिस कम लग रहा है, साइबर ऑफिस कम ही ज़्यादा कम लग रहा है, बट ये कैफेटेरिया काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। हर जगह पे कैफे वैफे भाई, यहाँ पे देख लो यार काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे काम करते हैं ऑफिस में। तो इस बंदे का अभी कंप्यूटर कहाँ पर है? ओके, ये इसका आई थिंक कंप्यूटर है, आगे वाला होगा तभी ये यहीं पर रुका है। ओके, तो यहाँ पे ये रुक चुका है और ये कह रहा है ये रहा मेरा कंप्यूटर, फटाफट से इसे ठीक कर दो मेरे पीसी को। तो ये चिल मार रहा है एकदम और माइकल को इसने कहाँ पे लगा दिया। तो माइकल भी अपना काम कर रहा है। तो ओके, तो इसने अपना इसका कंप्यूटर एकदम ठीक कर दिया और ये एकदम मजे से यार चिल मार रहा है और ये कह रहा है तुम जा सकते हो, डांस देखो भैया क्या कर रहा है ये। और ये कह रहा है तुम अब प्रोटोटाइप वहाँ पर जा सकते हो भैया एक रूम में, और वहाँ पे मैं प्रोटोटाइप फटाफट से फिट करता हूँ। तो भैया अपना काम तो हो गया और ये लोग डांस कर रहे हैं क्योंकि यार इनके एक सिस्टम में वायरस हट चुका है जिसमें वायरस काफ़ी ज़्यादा आ चुका था और वो काम किया माइकल ने। तो माइकल भी यार हैकर तो काफ़ी ज़्यादा सही है क्योंकि इसका दोस्त लेस्टर है, तो भाई उसने इसका हैकिंग वैकिंग सिखाई है थोड़ी सी। तो चलो यार अब जो अपना काम है ना फटाफट से चुपके से करते हैं, किसी को पता नहीं लगे, चोरी छुपे करना पड़ेगा। तो ये रहा, फटाफट से अंदर जाते हैं। ओके ओके, कोई देख तो नहीं रहा। ओके भैया, ये रहा वो केस। ओके, केस इसी केस में पड़ा भाई है ये मोबाइल। फटाफट से अपना प्रोटोटाइप डिवाइस है ना उसके अंदर फिट कर लेते हैं। तो ये रहा अपना प्रोटोटाइप डिवाइस जो लेस्टर ने दिया है। ओके, इसे फटाफट से मैं फिट कर लेता हूँ। तो भैया अपना काम हो गया, अब ना चिल मार के आराम से निकल जाते हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं है, एकदम शरीफ बन के जाना पड़ेगा ना कि ताकि यार किसी को पता नहीं लगे। ओके, फटाफट से आराम से चलते हैं, एग्जिट द बिल्डिंग, फटाफट से बिल्डिंग से बाहर जाना है। तो इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, डांस वांस कर रहे हैं भैया, इनको बस इतना पता है कि माइकल ने हमारे कंप्यूटर से वायरस को स्कैन कर दिया है, एकदम ख़त्म कर दिया है। तो भैया जो बाकी का काम है ना वो अब लेस्टर बताएगा कि आगे का होने क्या वाला है भैया, इस जो प्रोटोटाइप डिवाइस है ना इससे आगे होने क्या वाला है ये तो माइकल को भी नहीं पता है। तो इन लोगों को देखो भैया अपना गेम वेम खेल रहे हैं अपने ऑफिस में यार, मजे कर रहे हैं, बट ये अपना काम तो हो चुका ना यहाँ पर। और मैं अपना कोला पी लेता हूँ, एक ठंडा यार कोका कोला पी लेता हूँ, काफ़ी गर्मी हो रही है बाहर। अपना काम भी हो चुका है, एकदम शरीफ बन के जा रहे हैं हम। और यार माइकल ना पीकर गंद यहाँ पर डाल रहा है भैया, इसको तो कोई तमीज़ तो है ही नहीं है भाई, गंद डाल रहा है यहाँ पर, पोल्यूशन कर रहा है। अभी ना मैं जल्दी से ना इस ऑफिस से बाहर निकलता हूँ और लेस्टर को कॉल मिलाता हूँ और बोलता हूँ कि आगे करना है क्या है। और ना अपनी गाड़ी भी, मैं गलती से मैं यहाँ पर जा रहा हूँ बट अपनी गाड़ी पीछे लगी है। और यार अगर यार कुछ गंदा सीन हो गया ना तो मैं काफ़ी ज़्यादा पुलिस से फंस जाऊँगा। बट अभी डायलिंग करता हूँ उसको, मैं फटाफट से मिलाता हूँ कॉल। ओके, कनेक्टेड हो चुका है। ओके, इससे मैं बात कर रहा हूँ। ओके भैया, फटाफट से अपनी गाड़ी को ना घर में भगाना पड़ेगा क्योंकि अभी इसने कहा है तुम्हें फटाफट से घर में जाना है और अपने घर में जाके ना टीवी देखना है फटाफट से, उसमें कुछ होने वाला है टीवी में। तो यार इसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा डरा दिया है। बट एक सेकेंड, मैं ना अपनी गाड़ी ये वाली ले लेता हूँ क्योंकि यार अपनी गाड़ी की जैसे सेम गाड़ी है ये, तो मैं इस वाली गाड़ी को ले लेता हूँ और फटाफट से घर में चलता हूँ क्योंकि यार अपनी गाड़ी तो इतनी दूर तक जा नहीं पाएगी, आधे रास्ते में ब्लास्ट हो सकती है। अरे एक सेकंड, ये वाली गाड़ी नहीं लेने वाला भाई, पीछे एक और सही गाड़ी है, ये वाली ऑफ रोडिंग फॉर्चुनर ले लेते हैं क्योंकि यार अपनी गाड़ी यार ये वाली काफ़ी ज़्यादा सही लगेगी अपने को, एकदम ये वाली सही लगने वाली है। तो यार इसको बंदे को बाहर निकालो और फटाफट से, पहले मेरे को भैया पुलिस को हटाना पड़ेगा, पुलिस अपने पीछे लग गई है।
फटाफट से ना मैं अपने घर की ओर भगाता हूँ गाड़ी को। तो ओके, तो यार मैं घर की ओर गाड़ी को भगा कर ले आया, और गाड़ी का ना एकदम सिस्टम बोनेट सब कुछ टूट गया हुआ। ये ले बेटा, एक और वाली टक्कर बच गई, और वो नैनो कहाँ जाके पड़ी भाई, साइड पे जाकर। तो भैया इस गाड़ी को ना मैं जैसे कैसे करके ना घर में लगा देता हूँ। अभी सेव करना भाई इस गाड़ी को अपने साथ, क्योंकि यार ये चोरी की गाड़ी है, तो इसको ना मैं सेव कर लेता हूँ अपने साथ, क्योंकि बाद में अगर पुलिस को पता लग गया ना लोकेशन अपने, तो यार वो घर में ना अपने को ना पूरी फैमिली को माइकल की जेल में कर देगी सीधा। तो फटाफट से मैं इस गाड़ी को कहीं पर पार्क कर देता हूँ ताकि पुलिस को शक नहीं हो। तो भाई मैं सामने तो गेट के करने नहीं वाला, अगर किसी पुलिस वाले की नज़र पड़ गई ना तो भैया वो यहाँ पर आके हमारी गाड़ी को भी ले जाएगा और हमें भी ले जाएगा। तो इसलिए मैं इसको ना अपनी साइड पर यहाँ पर पार्क कर देता हूँ, अपने यहाँ पर छोटे वाले गेट में ना, यहाँ पर पार्क करने की प्यारी सी जगह बनी है। ओके, अब मैं फटाफट से टीवी को ऑन करता हूँ घर में जाके, फटाफट से देखता हूँ कि भैया उस लेस्टर ने बोला था कि फटाफट से टीवी में देखना कि वो जो कॉलेज बॉय जॉय नॉरिस है ना, उसका नाम जॉय नॉरिस है। ओके हाँ, तो भैया वो ना उसको मारना है, बट पता नहीं कैसे मारना है, उसने बोला था हमने बस। ओके, ये क्या भैया टीवी देख रही है इसका, इससे पहले ना अपना रिमोट छीनो। तो यार हमने अब इसकी बेटी ना इसको लगाने नहीं देगी टीवी, बट लड़ाई वड़ाई करके ना थोड़ी सी माइकल को टीवी रिमोट छीनना ही पड़ा, क्योंकि अब न्यूज़ में आने वाला है जॉय नॉरिस। तो ये कॉलेज बॉय है, तो इसी के हमने फ़ोन में जो यार शो कर रहा है ना, यहाँ पर हमने डिवाइस सेट कर लिया है, वो प्रोटोटाइप जो डिवाइस है ना। तो ये ना एक बंदा है कॉलेज का बॉय है, छोटा सा ही बच्चा है अभी, तो ना ये काफ़ी गलत काम कर रहा है दुनिया के सामने, तो काफ़ी अच्छा बंदा है, तो ना पीछे से काफ़ी गलत काम कर रहा है, गुंडा वुंडा है काफ़ी बड़ा ये। तो आज जो लेस्टर ने कहा है ना, बोला है कि इसके फ़ोन में ना प्रोटोटाइप डिवाइस लगाना, जिस फ़ोन की एड देने वाला है ना, तो हमने प्रोटोटाइप डिवाइस इसके फ़ोन में लगा दिया, और बस एक मिस्ड कॉल मारनी है और फिर ब्लास्ट हो जाएगा सब कुछ, और ये भी मर जाएगा। तो बस इतना सा करना है काम, फटाफट से अपनी कॉल मिलाता हूँ इस बंदे को। प्रोटोटाइप डिवाइस तो इसके फ़ोन में सेट है, फटाफट से जॉय नॉरिस, ये रहा जॉय नॉरिस। ओके, अभी तो रिंग जाने वाली है, और फिर देखते हैं क्या होता है। ओके बेटा देख लो भाई क्या होने वाला है, इस बेटे की, इस बच्चे की तो काफ़ी गंदी हालत हो जाएगी। ओके भाई साहब, इसने जैसे ही फ़ोन उठाया ना, तो वहाँ से अपना डिवाइस ब्लास्ट हो गया भैया, सिग्नल भी लॉस्ट हो चुका है, और माइकल परेशान हो चुका है कि ये मेरे से क्या करवा दिया लेस्टर ने। माइकल काफ़ी ज़्यादा डर चुका है, क्योंकि यार इसने पहली बारी कोई मर्डर वाला काम किया ना, तो यार लेस्टर की कॉल आ चुकी है, वो कह रहा तुम डरो मत, ये वो, तो भाई काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुका है सीन। तो अभी ना यार अपने को मार्टिन मद्रासो जो इतना बड़ा डॉन था ना, उसके भी पैसे चुकाने हैं, और यार उसके पैसे चुकाने के लिए हमको पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो लेस्टर ने पैसे काफ़ी ज़्यादा देने वाला है, हमें उसके घर में जाके मिल जाएंगे। तो मैं ना अपनी प्यारी सी एक राइड लेके आता हूँ गाड़ी में, तो ये रही अपनी फरारी कॉमेट। तो यार आज के लिए बस इतना ही है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कर देना लाइक। तो बाय बाय।